हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TDEP। इसके बारे में हम आज इसका डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम सारी सीरीज जो वन बाय वन सारी यूनिट्स कवर करेंगे विद न्यूमेरिकल, ओके। और मैं आपको एक सूचना भी देना चाहता हूँ कि ये सारी लेक्चर सीरीज आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से मैं आपको दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल आगरा इंजीनियरिंग एकेडमी पर, तो आप वहाँ से ये सारी सीरीज देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सिलेबस। आज का टॉपिक जो है, देखिए इसमें मेनली 5 यूनिट हैं, और ये जैसा इसका नाम ही है सब्जेक्ट का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हमको जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 चीज़ें हैं हमारी इलेक्ट्रिकल पावर में। एक होता है जनरेशन, जहाँ पर हमारा कोई जनरेशन होता है। सपोज़ करिए यहाँ पर कोई जनरेशन हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और यहाँ से सीधे ट्रांसमिट होती है, ये बीच में ट्रांसमिशन सिस्टम है, और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में जाके ये हमारे हम यहाँ लोड हैं, जैसे समझ लीजिए घर है आपका, होम है, इंस्टीट्यूट है, फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर ये हम आपको सारा सिस्टम मिलता है। तो हमें जो पढ़ना है वो हमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसी के बारे में सब्जेक्ट है, इसी के बारे में हम सिलेबस देख रहे हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए पहली यूनिट में अगर आप देखेंगे तो पहली यूनिट में जो आता है वो आता है कि ST और LT, जिसे हम ST हाई टेंशन और लो टेंशन लेवल लाइन भी कहते हैं, इसके बारे में आप पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे इसमें, इसके कंडक्टर्स के बारे में, इसके साइज के बारे में, स्ट्रेंथ क्या होती है इनकी, इनके AC और DC में कंपैरिजन क्या है, हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन कैसे, हम हाई वोल्टेज में ही ट्रांसमिशन सिस्टम क्यों ज़्यादा हेल्दी रहता है, इन सब के बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्शन फीचर तो देखेंगे ही, मैकेनिकल फीचर्स भी देखेंगे लाइंस का, कि जैसे आपने देखा होगा घरों में झूला वगैरह जो होता है, आप झूलते हैं तो उसमें जितनी मजबूत रस्सी होगी उतनी ही वो मजबूती से टिका रहता है। ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी अगर ट्रांसमिशन आपको मजबूत चाहिए तो आपके जो कंडक्टर्स हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन है, उनमें भी मजबूती होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर सैग वगैरह देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैग देखेंगे, और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल भी हम देखेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत बातें जैसे मैंने आपको फिर से बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये हमको हर जगह मिलते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ ट्रांसमिशन लाइन में भी हम इनके बारे में देखेंगे कि AC पर ये कैसे इफेक्ट होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर। और एक बहुत अच्छा फिनोमेना जो आजकल बहुत नॉर्मल है, जिसने बहुत दिक्कत में वर्ल्ड है, दैट इज़ कोरोना, ठीक है। ये कोरोना काफ़ी टाइम से हमारे सिस्टम में है, इलेक्ट्रिकल में होता है। कोरोना मींस एक हिजिंग साउंड आती है ट्रांसमिशन लाइन पर, ये होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये कोरोना इफेक्ट भी यहाँ पर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद केल्विन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फेमस लॉ है जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल देता है ट्रांसमिशन, केल्विन लॉ के नाम से, ठीक है। आइए यूनिट सेकेंड के हम तरफ चलें, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप देखिए कहीं से जनरेशन होती है किसी एनर्जी की, उसके बाद वो ट्रांसमिट होती है, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कई सारी कंपनियां आपने देखी होंगी, टोरेंट पावर है, DVDNL है UP गवर्नमेंट की, ये सारी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन से ही आप अपनी इकोनॉमी, इलेक्ट्रिकल इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, बूस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हमको जो पढ़ना है वो है ST LT लाइन पे क्या इरेक्शन कर सकते हैं, मेंस जो लाइन आती है उसके बारे में हम देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होने वाले कंडक्टर्स के साइज देखेंगे, LT ST के बारे में देखेंगे, लॉसेस देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने लास्ट यूनिट में ट्रांसमिशन लॉसेस देखे थे, इसमें लॉसेज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखेंगे,
कई सारे टेस्ट देखेंगे, वर्ली टेस्ट देखेंगे, ठीक है, और अंडरग्राउंड केबल्स के कई सारे टेस्ट देखेंगे जिसमें हम कई पैरामीटर्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें तो यूनिट 3, ये आपका जो यूनिट है ये आपने कई बार अपने आसपास घूमते हुए देखे होंगे, दैट इज़ सब स्टेशन। सब स्टेशन हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का एक बहुत बड़ी कड़ी है जिससे ये सुचारू रूप से चल पाता है, पूरा सिस्टम चल पाता है। तो आपने कहीं देखा होगा बोर्ड लगा रहता है 132 kV, 33 kV, 66 kV, इनके बारे में पूरी लेआउट हम सब स्टेशन के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। नंबर 4th यूनिट का नाम है, दैट इज़ माय फेवरेट, पावर फैक्टर, जो पूरे इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड की जिसे कह सकते हैं आत्मा है। अगर हमें इकोनॉमी को बचा के रखना है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तो वह है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, कौन से रीजंस होते हैं, कब अप कब डाउन होता है, क्या दिक्कतें होती हैं, इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, ये सारा डिस्कशन हम यूनिट 4 में देखेंगे। यूनिट 5 हमारी है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो थोड़ी सी हमारे एकेडमिक्स से हटके हैं, समझ सकते हैं कि आप प्रोफेशनल यूनिट बोल सकते हैं इसको, कि जब आप जॉब में जाएंगे तो वहाँ पर ये कैसा काम करेगी। टेक्निकल लॉसेस, कमर्शियल लॉसेस जो कंपनीज ले को होता है, इन्हें TNC लॉस भी कहते हैं, काफ़ी देखा होगा न्यूज़पेपर में आपने। फिर बिलिंग कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, बिलिंग एफिशिएंसी कैसे होती है, हम अपने घरों में लगने वाले मीटर्स को कितना एफिशिएंट बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यूनिट 5 में देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा रिकमेंडेड बुक्स के बारे में, कुछ थोड़ा बहुत रिकमेंडेड बुक्स के बारे में। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, JB गुप्ता, BK मेहता, ये सारी CL वाधवा, ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये रेफरेंस बुक के तरह आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन यूज़ माई नोट्स ऑल्सो, ठीक है। और इसके साथ ही मैं ये डिटेल सिलेबस का डिस्कशन ख़त्म करता हूँ यहाँ पर, और मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अपनी सीरीज़ लाएंगे, इस सब्जेक्ट पूरा जो यूनिट्स वाई वन बाई वन यूनिट आती रहेंगी विद न्यूमेरिकल, हम समझाते रहेंगे आपको। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, और मैं अपना आपको कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा अपने कॉन्टैक्ट का, तो आप कैसे मेल कर सकते हैं मुझे कॉन्टैक्ट नंबर, वाई व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।